With Nirmal Love, Jai Shri Mataji to all of you, I welcome you all for visiting my channel Sahaj Yoga Harmonium. Please subscribe this channel and press the bell button so you will get all notifications of harmonium tutorial videos. Please share this video in all your Sahaj Yoga WhatsApp groups so those people can get this channel who wants to learn harmonium on Sahaj Yoga Bhajans. Jai Shri Mataji, in this video, we are going to learn harmonium on bhajan Maiya Tharo Chanda Jaisa Roop Salona. इस वीडियो में हम मैया थारो चंदा जैसा रूप सलोना इस भजन पर हारमोनियम सीखने वाले हैं. इफ़ यू वांट्स टू लर्न बेसिक्स ऑफ हारमोनियम, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन फॉर ट्यूटोरियल वीडियोस ऑफ बेसिक्स ऑफ हारमोनियम. अगर आप हारमोनियम का बेसिक सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में बेसिक वीडियोस का लिंक दिया गया है. आप बेसिक वीडियोस देखकर हारमोनियम का बेसिक सीख सकते हैं. Sahaj Yoga Harmonium Notation Book is available. If you want to order online, link is given in description. Those bhajans are covered in this book which are not available in Swaranjali book. Book is deliverable only in India. Sahaj Yoga Harmonium Swarlipi Pustika Uplabdh hai. Online order karne ke liye description mein link diya gaya hai. Is pustika mein un bhajanon ki swarlipi uplabdh hai जो स्वरांजलि पुस्तिका में नहीं है. पुस्तिका केवल भारत में प्रदेय है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन दिस वीडियो वी विल चूज स्केल फॉर सिंग दिस भजन. देन वी विल आइडेंटिफाई विच कोड इज यूज्ड इन दिस भजन. देन वी विल सी विच कीज विल बी यूज्ड फॉर प्ले दिस भजन. इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि इस भजन को गाने के लिए सही स्केल क्या रहेगा और कौन से कॉर्ड का प्रयोग इस भजन में किया जाएगा. कौन से स्वरों का प्रयोग इस भजन को बजाने के लिए किया जाएगा यह भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा. द स्केल फॉर सिंग दिस भजन इज एफ शार्प. एंड इट इज डिपेंड ऑन सिंगर विच स्केल दे वांट्स टू चूज for sing any bhajan, but always remember the scale should be in balance and easy for you to sing on that scale. The scale should not have too high pitch or should not have too low pitch. It should be in medium range and your voice should be matched with harmonium on that scale. In this bhajan, minor chord will be used. This is the minor chord of F sharp. Because in this bhajan, komal ga and komal ni will be used, that's why minor chord is used here. In minor chord, sa, komal ga and pa. Sa, कोमल गा एंड पा. सा, कोमल गा एंड पा. दिस स्वराज प्लेड एट सेम टाइम्स देन इट विल गिव म्यूजिक ऑफ माइनर कॉर्ड. इस भजन का स्केल एफ शार्प है और यह गायक पर निर्भर करता है कि वो किसी भजन को कौन से स्केल से गाना चाहते हैं. स्केल ना ही ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा नीचे के स्वरों वाला होना चाहिए. एक मध्यम और संतुलित स्केल होना चाहिए जिस स्केल पर गाने में आपको कोई परेशानी ना हो और आप आसानी से उस स्केल पर गा सकें, आपकी आवाज़ हारमोनियम की आवाज़ से मेल खाए. ऐसा स्केल होना चाहिए जो भी भजन आप गाएं, ऐसे स्केल पर आप गाएं. इस भजन में माइनर कॉर्ड का प्रयोग किया जाएगा.
क्योंकि इस भजन में कोमल गा का प्रयोग किया गया है। यह एफ शार्प का माइनर कॉर्ड है। माइनर कॉर्ड में सा, कोमल गा और पा, सा, कोमल गा और पा, तीनों स्वरों को एक साथ जब बजाते हैं तो वह माइनर कॉर्ड का संगीत उत्पन्न करता है। यह जो आवाज आप सुन रहे हैं हारमोनियम की, इस आवाज से आपको अपनी आवाज को मिलाना है, उसके बाद भजन को गाना है। भजन गाने से पहले आप अपनी आवाज इस आवाज से मिलाएं, माइनर कॉर्ड की आवाज से। कुछ इस प्रकार से आप अपनी आवाज मिला सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि कौन से स्वरों का प्रयोग इस भजन को बजाने के लिए किया जाएगा। नाउ लेट अस सी विच कीज विल बी यूज्ड फॉर प्ले दिस भजन। एज आई टोल्ड यू, एफ शार्प इज द स्केल फॉर दिस भजन। इट मीन्स एफ शार्प इज सा। सो the position of other swaras rega ma pa dha ni will be arranged accordingly with the position of sa. If f sharp is sa, then I will tell you the sargam. Sa re ga ma pa dha ni za, sa ni dha pa ma ga re sa. This is sa re ga ma pa dha ni and sa. Keys before sa are in mandra saptak. Keys between sa and shuddhani of madhyam saptak are in madhyam saptak. Keys after madhyam saptak shuddhani, this is sa of tar saptak, and keys after this sa of tar saptak are also in tar saptak. So in this bhajan मंद्र सप्तक पा, सा ने धा पा, यह मंद्र सप्तक का पा है। इन दिस भजन मंद्र सप्तक पा एंड मंद्र सप्तक कोमल नी। Keys before sa is shuddhani and key, one key before shuddhani is komalni. So in this bhajan, in mandra saptak, pa and komalni will be used. In mandra saptak, pa and komalni. In madhyam saptak, sa, re, komal ga, and ma. Sa, re, komal ga, and ma.
सा, रे, कोमल गा एंड मा. ओनली दिस स्वराज विल बी यूज फॉर प्ले दिस भजन. जैसा कि मैंने आपसे बताया था, एफ शार्प इस भजन में हमारा स्केल है. इसका मतलब है कि एफ शार्प को हमने सा मान लिया है. यदि एफ शार्प को हमने सा मान लिया है तो जो अन्य स्वर हैं रेगा मा पाधानी, उनकी स्थिति आगे की तरफ चली जाएगी. यदि यह सा है तो मैं आपको सरगम बजा के दिखाता हूँ. सारे गा मा पा धानी, सारे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा. यदि यह सा है तो ये रे गा मा पा धा नी सा. सा से पीछे जो स्वर हैं वो मंद्र सप्तक में आते हैं. सा से शुद्धनी के बीच में जो स्वर है वो मध्यम सप्तक में आते हैं. मध्यम सप्तक शुद्धनी के बाद सा आता है. यह तार सप्तक का सा होता है. तार सप्तक सा के बाद जो स्वर आते हैं वो तार सप्तक के होते हैं. इस भजन में माइनर कॉर्ड का प्रयोग किया जाएगा. इसका मतलब है कि इस भजन में शुद्ध गा का प्रयोग नहीं किया गया है, कोमल गा का प्रयोग इस भजन में किया गया है. मंद्र सप्तक में इस भजन में पा और कोमल नी का प्रयोग किया जाएगा. यदि यह सा है तो सा ने धा पा. सा से एक स्वर पीछे शुद्ध नी होता है और शुद्ध नी से एक स्वर पीछे कोमल नी होता है. मंद्र सप्तक में इस भजन में पा और कोमल ले का प्रयोग किया जाएगा. हमारा स्केल एफ शार्प है इसलिए यह सा माना जाएगा. मध्यम सप्तक में सा, रे, कोमल गा और मा. सा, रे, कोमल गा और मा, सिर्फ इन्हीं स्वरों का प्रयोग इस भजन को बजाने के लिए किया जाएगा. आइए शुरू करते हैं भजन. मैया थारो चंदा जैसा रूप सलोना. मैया थारो चंदा जैसा रूप सलोना. मैया थारो चंदा जैसा रूप सलोना. रूप सलोना, रूप सलोना. मम थारा लाग्या दरबार, मां निर्मल थारे आंगन ये. मम थारा लाग्या दरबार, मां निर्मल थारे आंगन ये. मैया थारे मुखड़े की चमक निराली. मैया थारे मुखड़े की चमक निराली. माँ चमक निराली, माँ चमक निराली. चांद सूरज शरमाए, माँ निर्मल थारे आंगन ये. चांद सूरज शरमाए, माँ निर्मल थारे आंगन ये. मम थारा लाग्या दरबार, माँ निर्मल थारे आंगन ये. मम थारा लाग्या दरबार, मां निर्मल थारे आंगन ये. मैया थारो चंदा जैसा रूप सलोना. मैया थारो चंदा जैसा रूप सलोना. रूप सलोना, मां रूप सलोना. मम थारा लाग्या दरबार, मां निर्मल थारे आंगन ये.
मम थारा लाग्या दरबार मां निर्मल थार आंगन ये। मम थारा लाग्या दरबार मां निर्मल थार आंगन ये। मम थारा लाग्या दरबार मां निर्मल थार आंगन ये। नाउ आई विल टेल यू अकॉर्डिंग टू द नोटेशंस। अब मैं आपको स्वर लिपि के माध्यम से सभी पंक्तियों पर बताने जा रहा हूं। मैया थारो चंदा जैसा रूप सलोना, मैया थारो चंदा जैसा रूप सलोना, सा सारे गा गारे मा गारे सा सारे गा गारे मा गारे सा। मैया थारो चंदा जैसा रूप सलोना, मैया थारो चंदा जैसा रूप सलोना, मैया थारो चंदा जैसा रूप सलोना, सा सारे गा गारे मा गारे सा। मैया थारो चंदा जैसा रूप सलोना, मैया थारो चंदा जैसा रूप सलोना, सा सारे गा गारे मा मा गारे सा सारे गा गारे मा मा गारे सा, मा गारे सा, मा गारे सा, मा गारे सा, सा सारे गा गारे मा मा गारे सा। मैया थारो चंदा जैसा रूप सलोना, मैया थारो चंदा जैसा रूप सलोना, सा सारे गा गारे मा मा गारे सा सारे गा गारे मा मा गारे सा, सा सारे गा गारे मा मा गारे सा, मैया थारो चंदा जैसा रूप सलोना, मैया थारो चंदा जैसा रूप सलोना, रूप सलोना, रूप सलोना। सा सारे गा गारे मा मा गारे सा, मा गारे सा, मा गारे सा। मैया थारो चंदा जैसा रूप सलोना, रूप सलोना, रूप सलोना, सा सारे गा गारे मा मा गारे सा, मा गारे सा, मा गारे सा। मम थारा लाग्या दरबार मां निर्मल थारे आंगन ये।
मम थारा लाग्या दरबार मां निर्मल थारे आंगन ये। पासा सा सारे साने सागारे सासा पासा सा सारे साने सागारे सासा पासा सा सारे साने सागारे सासा। कोमलनी और कोमल गा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। पासा सा सारे साने सागारे सासा पासा सा सारे साने सागारे सासा। मम थारा लाग्या दरबार मां निर्मल थारे आंगन ये। मम थारा लाग्या दरबार मां निर्मल थारे आंगन ये। पासा सा सारे साने सागारे सासा पासा सा सारे साने सागारे सासा। मैया थारो चंदा जैसा रूप सलोना मैया थारो चंदा जैसा रूप सलोना रूप सलोना रूप सलोना। मम थारा लाग्या दरबार मां निर्मल थारे आंगन ये। मम थारा लाग्या दरबार मां निर्मल थारे आंगन में। पासा सा सारे साने सागारे सासा पासा सा सारे साने सागारे सासा। मैया थारे मुखड़े के चमक निराले मैया थारे मुखड़े के चमक निराले। सा सारे गा गारे मामा गारे सा सारे गा गारे मामा गारे सा। मैया थारे मुखड़े के चमक निराले मैया थारे मुखड़े के चमक निराले चमक निराले चमक निराले। सा सारे गा गारे मामा गारे सा मा गारे सा मा गारे सा। सा सारे गा गारे मामा गारे सा मा गारे सा मा गारे सा।
मैया थारे मुखड़े के चमक निराले, चमक निराले माँ चमक निराले। सा सारे गा गारे मा मा गारे सा मा गारे सा मा गारे सा। सा सारे गा गारे मा मा गारे सा मा गारे सा मा गारे सा। चांद सूरज शर्माए माँ निर्मल थारे आंगन ये, चांद सूरज शर्माए माँ निर्मल थारे आंगन ये। पासा सारे सने सागारे सासा। मम थारा लाग्या दरबार माँ निर्मल थारे आंगन ये, इस भजन के दो सरगम हैं, अंतरों पर भी और मुखड़े पर भी वही बजाई जाती हैं। इन दिस भजन देयर आर ओनली टू सरगम विच कवर दिस होल भजन। फर्स्ट इज, पहली सरगम है सा सारे गा गारे मा मा गारे सा। मैया थारो चंदा जैसा रूप सलोना, रूप सलोना, रूप सलोना। मैया थारे मुखड़े के चमक निराले माँ चमक निराले माँ चमक निराले। एंड द सेकेंड सरगम इज, और दूसरी सरगम है, पासा सारे साने सागारे सासा। मम थारा लाग्या दरबार माँ निर्मल थारे आंगन ये, मम थारा लाग्या दरबार माँ निर्मल थारे आंगन ये। चांद सूरज शर्माए माँ निर्मल थारे आंगन ये, चांद सूरज शर्माए माँ निर्मल थारे आंगन ये। केवल दो ही सरगम हैं भजन में, पूरा भजन सिर्फ दो सरगम पर बजाया जाता है। सा सारे गा गारे मा मा गारे सा मा गारे सा मा गारे सा। पा सा सा सारे साने सागारे सा सा। पा सा सा सारे साने सागारे सा सा। आपने इस भजन को एफ शार्प स्केल से सीख लिया है। इस भजन पर बार बार अभ्यास करें, जितना आप अभ्यास करेंगे उतना अच्छा हारमोनियम आपसे बजाना आ जाएगा। आप इस भजन को जी शार्प स्केल से भी बजा करके देखें। ध्यान रखें कोड का प्रकार जो कि माइनर है, कोड का प्रकार माइनर कोड, और स्वर लिपि वही रहेगी। You have learned this bhajan on F sharp scale. Now you should play this bhajan
on G sharp scale, so you have a better practice on this bhajan. You should practice on this bhajan many times, so you will definitely play very well harmonium on this bhajan. You should try to play this bhajan on any other scale also. You can play on G sharp scale. Remember the notation and type of chord, which is minor chord, will be same, only scale will be changed. यदि हम G sharp scale से गाएंगे, इसका मतलब है कि हमने G sharp को सा मान लिया है. स्वर लिपि वही रहेगी. यदि यह सा है तो यह रे, कोमल गा और मा, और ये सा है तो मंद्र सप्तक में पा ये हो जाएगा और कोमल नी ये हो जाएगा. मैया थारो चंदा जैसा रूप सलोना, रूप सलोना, रूप सलोना. मम थारा लाग्या दरबार, मां निर्मल थारे आंगन ये. मम थारा लाग्या दरबार, मां निर्मल थारे आंगन ये. मैया थारे मुखड़े की चमक निराली, चमक निराली, मां चमक निराली. चांद सूरज शर्माए, मां निर्मल थारे आंगन ये. चांद सूरज शर्माए, मां निर्मल थारे आंगन ये. सा सा रे गा गा रे मा मा गा रे सा मा गा रे सा मा गा रे सा. पा सा 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 रे सा ने सा गा रे सा सा. पा सा 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 रे सा ने सा गा रे सा सा. हारमोनियम हैव 12 स्केल. C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp, A, A sharp, and B. It's your choice which scale you choose for sing any bhajan. Remember, type of chord and notations will be same on each and every scale. Here I play this bhajan on D sharp scale. This is the chord of D sharp minor. मैया थारो चंदा जैसा रूप सलोना, रूप सलोना, रूप सलोना. मम थारा लाग्या दरबार, मां निर्मल थारे आंगन ये. मम थारा लाग्या दरबार, मां निर्मल थारे आंगन ये. ये डी शार्प स्केल से गाया है. डी शार्प स्केल का ये माइनर कॉर्ड है. इसका मतलब है कि हमने डी शार्प को सा मान लिया है. डी शार्प को सा मान लिया है तो ये रे हो जाएगा, ये कोमल गा और ये मा. सा सा रे गा गा रे मा मा गा रे सा. सा सा रे गा गा रे मा मा गा रे सा. पा सा 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 रे सा ने सा गा रे सा सा. पा सा 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 रे सा ने सा गा रे सा सा. किसी भी स्केल से 12 के 12 में 12 स्केल हारमोनियम में होते हैं. 12 में से किसी भी एक स्केल से आप इस भजन को गा सकते हैं. लेकिन प्रैक्टिस करें तो 12 में से जितने भी ज्यादा से ज्यादा स्केल पर आप बजाकर
प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हारमोनियम आपसे बजाना आ जाएगा और अलग अलग स्केल पे आपको यही भजन बजाना आ जाएगा। अलग अलग स्केल से उंगलियां अलग अलग प्रकार से चलती हैं, तो जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे किसी भी भजन को बजाएं, अलग अलग स्केल से बजाएं, तो आपसे उन स्केल पर उंगलियां चलानी आ जाएंगी। बेसिक वीडियोस देखें, 12 स्केल हैं, सभी स्केल पर अलंकार की प्रैक्टिस करें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हारमोनियम आपसे बजाना आ जाएगा। यू शुड प्रैक्टिस अलंकार ऑन मैनी स्केल, हारमोनियम हैव 12 स्केल, सो यू कैन प्रैक्टिस अलंकार ऑन डिफरेंट स्केल्स, सो यू विल डेफिनेटली प्ले वेरी वेल हारमोनियम। द मोर यू प्रैक्टिस ऑन अलंकार द बेटर हारमोनियम यू विल प्ले। फॉर नोटेशंस ऑफ दिस भजन यू कैन गो टू sahajyogaharmonium.blogspot.com और लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। इफ यू गेट दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर सहज योगा व्हाट्सएप ग्रुप्स सो दोज पीपल कैन गेट दिस चैनल हु वांट्स टू लर्न हारमोनियम ऑन सहज योगा भजन्स। द मोटिव बिहाइंड क्रिएट दिस चैनल is to spread harmonium knowledge so those Sahaj Yogis brothers and sisters can learn harmonium who wants to play Sahaj Yoga bhajans on harmonium in their meditation centers. All notations will be available on sahajyogaharmonium.blogspot.com. Please share, like and subscribe with Nirmal Love, Jai Shri Mataji to all of you.